ही ये कमरा आज अच्छे से साफ कर देना और शाम को तैयार भी हो जाना, बच्चे के खिलौने कपड़े और चीजें लेने जाने, ठीक है? क्या किस्मत पाई है इस बच्चे ने, इस घर का वाली वारिस ना हो गए भी कैसे शानदार जिंदगी। हाँ, बस एक मेरी ही किस्मत खोटी है। रूही कहाँ खो गई? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। तुम जानती हो ये किसका कमरा है? सब जानती है रूही, आपकी भाभी और भाई का बच्चा है ना, जो आपको देंगे। अच्छा अच्छा, पैदा करने वाली माँ और पालने वाली माँ में कोई फर्क नहीं होता, बच्चा मेरा होगा, सिर्फ मेरा। हाँ, आप तो उसे अपना बच्चा मान लेंगी और अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करेंगी, मगर साहब जी, मेरी अम्मा कहती हैं कि मर्द ना कभी भी किसी दूसरे की औलाद को तस्लीम नहीं करता, और फिर साहब जी के दिल में भी तो पूरी जिंदगी अपने वारिस के लिए मोहब्बत तो होगी ना, चाहते होंगे। वैसे अगर आप लोग का बच्चा हो जाता ना, तो आप लोग की तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती। पर वैसे आपको डर तो लगता होगा ना? किस बात का डर? यही कि कहीं साहब जी दूसरी शादी ना कर लें बच्चे के लिए। आपको पता है हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उनकी शादी को भी ना बड़े साल हो गए थे, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो भी बच्चों के लिए। बेचारी। मुराद कभी ऐसा नहीं करेंगे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम सफाई करके नीचे आ जाना, लंच की तैयारी करनी है। मुराद आज लंच घर पर ही करेंगे।